ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के मामलों का एक महीने के भीतर परीक्षण कर उसका निराकरण करने के दिए निर्देश। पटवारी अब अपने हल्का मुख्यालय में सप्ताह में कम से कम दो दिन सोम और मंगलवार को अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर 30 से अधिक पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल लोकवाणी के जरिए प्रदेश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदेश में नौकरी कर रहे लोगों के मामलों का एक महीने के भीतर परीक्षण करके उसका निराकरण किया जाएगा। इससे फर्जी प्रमाण पत्र वाले न तो नौकरी कर सकेंगे और न ही अनुचित लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कल विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री बघेल ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब आदिवासियों की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकेगा। राज्य सरकार ने पूर्व में आदिवासियों की सहमति से जमीन खरीदने के संबंध में बनाए गए कानून को समाप्त कर दिया है। प्रदेश में पटवारी अब अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में सप्ताह में कम से कम दो दिन सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक मौजूद रहेंगे। राज्य शासन ने पटवारियों के हल्का मुख्यालय से लगातार गायब होने की शिकायतों और आम जनता की परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक पटवारी के पास एक से अधिक हल्का का प्रभार होने की स्थिति में उन्हें सोमवार को एक हल्का मुख्यालय और मंगलवार को दूसरा हल्का मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा। इस दौरान पटवारी भूमि संबंधी समस्याओं से अवगत होंगे और आवेदन प्राप्त करेंगे। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण ग्राम पंचायत से ही संभव है उसका निराकरण उसी दिन कर दिया जाएगा। जिन आवेदनों का निराकरण पटवारी द्वारा किया जाना है उसका निराकरण उसी सप्ताह में किया जाएगा। इसी तरह तहसील स्तर पर निराकरण होने वाले आवेदनों को संबंधित तहसीलदार को भेजा जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा पटवारियों को निर्धारित दिवसों में नहीं बुलाया जाएगा और न ही किसी अन्य कार्य में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। भिलाई के दौरे पर पहुंचे श्री कुलस्ते ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख सहित पूरे क्षेत्र में विकास कार्य होंगे, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हम हमेशा कहते थे कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है। आज वास्तव में इससे संशोधन के बाद अब भारत का कोई भी हिस्सा है, कोई भी नागरिक है, जम्मू कश्मीर के अंदर वो आराम से रह सकता है और ये जो डबल नागरिकता थी वो समाप्त हो गया। अब कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के विकास की योजनाओं की दृष्टि से वहां जमीन रह सकता है, खरीद सकता है, कोई भी विकास से संबंधित काम कर सकता है। श्री कुलस्ते ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की व्यवस्था पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति कर दी है। 4 नगर पालिक निगमों में 23, 19 नगर पालिकाओं में 86 और 30 नगर पंचायतों में 90 एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई है। अंबिकापुर और जगदलपुर नगर पालिक निगम के लिए 8-8 एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है, जबकि दुर्ग के लिए 1 और राजनांदगांव नगर पालिक निगम के लिए 6 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिलकपल्ली से इन माओवादियों को पकड़ा। इनमें से एक माओवादी पर 1,00,000 रूपये का इनाम घोषित था। वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी पर 2,00,000 का इनाम घोषित था। इन माओवादियों पर विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह 9:05 पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 30 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट तथा सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला को पुलिस वीरता पदक दिया जाएगा। वहीं रेलवे की पुलिस अधीक्षक मिलना कुर्रे और आईपीएस अधिकारी मनोज खिलारी को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह सेवानिवृत्त आईपीएस एसएस सूरी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। तीन पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत अदम्य साहस के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें कोंडागांव के उपनिरीक्षक पुष्पराज नागवंशी, शहीद आदित्य शरण प्रताप सिंह और शहीद मूलचंद कंवर शामिल हैं। पुलिस वीरता पदक के लिए 9 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। सराहनीय सेवाओं के लिए 10 पुलिसकर्मियों और सराहनीय सुधार सेवा पदक से जेल विभाग के 4 कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री मेडल से 2 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे। इसके अलावा 5 पुलिसकर्मियों को गुरू घासीदास पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार, रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार और वीर नारायण सिंह पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाज के हर वर्ग की भावनाओं, सवालों और सुझावों से अवगत होने, अपने विचार को साझा करने के लिए लोकवाणी के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। लोकवाणी का पहला प्रसारण कल रविवार 11 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से 10:55 बजे तक किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को किया जाएगा। पहले प्रसारण का विषय खेती और ग्रामीण विकास रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के चलते प्रदेश के बस्तर संभाग सहित अनेक जिलों में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों में कई नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां कम होने के कारण नदी नालों का जलस्तर कम होते जा रहा है। इस बीच प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा और राजस्व सचिव एनके खाखा ने आज सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। श्री लखमा ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कमलेश गौतम ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 43 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई में 21 मामलों का निराकरण किया गया और 22 मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों को समय सीमा के भीतर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस मौके पर श्रीमती गौतम ने कहा कि महिलाओं को हिम्मत और धैर्य से सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को सतर्क और जागरूक रहने के लिए कहा। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। ये दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एथनॉल, 2G एथनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए जैव ईंधन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जैव ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी और देश के लिए सतत ऊर्जा सुनिश्चित हो सकेगी। इस वर्ष जैव ईंधन दिवस का विषय है इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल से जैव ईंधन का उत्पादन। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के इंडियन यूथ डेलीगेशन के तहत चीन की 10 दिवसीय यात्रा कर लौटी छत्तीसगढ़ की प्रियंका बिस्सा ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। बलरामपुर पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस परेड के अभ्यास के दौरान सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई और सूरजपुर जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में जंगली हाथी के हमले से एक महिला सहित 2 लोगों की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के मामलों को 1 महीने के भीतर परीक्षण कर उसका निराकरण करने के दिए निर्देश। पटवारी अब अपने हल्का मुख्यालय में सप्ताह में कम से कम 2 दिन सोम और मंगलवार को अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर 30 से अधिक पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल लोकवाणी के जरिए प्रदेश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।